भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्राम पंचायत बमहौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवार अहमद को भारी मतों से विजयी बनाया। 75 साल की उम्र में 92 बार हार, फिर भी हौसला बरकरार। हसनू राम फिर से चुनावी मैदान में। विभिन्न पदों पर 92 बार चुनाव हारने के बाद भी आगरा के हसनू राम अम्बेडकरी का हौसला बरकरार है। इसी हौसले के साथ वह एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं। फटे हुए जूते, दुबला पतला बदन, खद्दर का कुर्ता और मन में जीत की आस लिए 75 साल के हसनू राम अम्बेडकरी ने रविवार को 93 बार पर्चा भरा। इस बार वह वार्ड 30 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। चुनाव को भी हो, हसनू राम अम्बेडकरी हर बार जीत की उम्मीद में नामांकन करते हैं। 1985 से लगातार 36 सालों में 92 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सिर जीत का सेहरा नहीं बदा। 1988 में सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने नामांकन किया, लेकिन पर्चा निरस्त हो गया। हसनू राम ने बताया कि वह तहसील में 1984 में सरकारी अमीन थे, तभी चुनाव लड़ने की इच्छा हुई तो एक पार्टी से टिकट मांगा। टिकट देने की बजाय उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहा तुम्हें तो तुम्हारे घर में कोई वोट नहीं देगा। तभी से हसनू राम को चुनाव लड़ने की धुन सवार हो गई। हसनू राम ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर सांसद, विधायक, MLC, पार्षद, मेयर और जिला पंचायत चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यह उनका 93वां चुनाव है। पहली बार उनकी पत्नी सुरमा देवी भी नगला दूल्हे खां से प्रधान का चुनाव लड़ रही हैं। भ्रष्टाचार ही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, हसनू राम गाँव दूल्हे खां निवासी हसनू राम अम्बेडकर से कहा कि चुनाव में भ्रष्टाचार उनका सबसे बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार के कारण ही आज गाँव से लेकर शहर तक बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। अम्बेडकरी, हसनू राम अम्बेडकरी। अच्छा, आप हर बार पर्चा दाखिल करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप हार भी रहे हैं लगातार, किस तरीके से आप मानते हैं और क्यों पर्चा भरते हैं? समर्थन नहीं मिला है, असफलता ही कारण मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं असफल होता रहूं, मेन चीज ये है। और सफलता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो उस तरीके से मैं पर्याप्त नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि असफलता के लिए चुनाव लड़ा जाए पूरे देश के। आप हार के लिए चुनाव लड़ते हैं? जी जी। अच्छा, आप कौन कौन सा चुनाव फाइट कर चुके हैं अब तक? मैं ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधान परिषद का जब ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट चुनाव होता है उस वही चुनाव लड़ता हूँ मैं। लोकसभा, विधानसभा, वर्ष 1985 से जब चुनाव हुआ है, जब से सारे ये सब तीनों चुनाव लड़े हैं मैंने। जनता का समर्थन मिल गया तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो जनता के लिए? जनता का समर्थन मिल गया तो ये बात नहीं है, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से संबंधित एवं भारतीय संविधान का अध्ययन किया है, जो उनकी लिखित पुस्तक हैं, तो मेरा नज़ारा जनता के सामने कुछ और ही होगा। ये आपका कौन सा चुनाव है? ये मेरा 93वां चुनाव है। मैंने ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम क्षेत्र पंचायत के लिए भी नॉमिनेशन किया है, जहां जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, और वार्ड मेंबर के लिए भी किया है, और यहां जो जिला पंचायत के 30 वार्ड से मैंने नॉमिनेशन किया है।